नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पर्यावरण अध्ययन की 3 क्लासेस अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली। उन क्लासेस में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा टेट सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी को बताया गया है। इसी क्रम में आज 4th क्लास आवास, क्या होता है आवास। आवास हर जगह हर स्थान पर अलग अलग तरीके से आवास बनाए जाते हैं। मनुष्य के आवास अलग तरीके से होते हैं, पक्षियों के, जानवरों के, सारे आवास के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको अजीब फैक्ट सुनने को मिलेंगे। कौन कौन से फैक्ट, कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में आज अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन आज क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आइए देखते हैं आवास, क्या होता है आवास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उसके बाद सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आवास, क्या होता है आवास, किसे कहते हैं आवास। वह स्थान जहां हम रहते हैं उसे ही आवास कहते हैं, घर जिसे आप बोलते हैं। ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जहां आप रहते हैं उसे ही आवास कहते हैं। आवास क्या होता है, क्यों आप आवास में रहते हैं, बाहर भी तो रह सकते हैं। आवास में क्या होता है, वह हमें सर्दी, गर्मी, जानवरों से, जो हिंसक जानवर होते हैं उन सभी से बचाता है हमें। इसलिए हमें आवास बनाने ही पड़ते हैं, यही कारण है कि हमें आवास बनाकर रहना पड़ता है। आप कहीं भी पेड़ पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं, आवास बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि वह हमें सर्दी, गर्मी और कई सारे हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम देखते हैं आवास के प्रकार, कई सारे आवास देखने को मिलते हैं हर इलाके, हर क्षेत्र, हर जगह पर अलग अलग तरीके से जलवायु मौसम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। वहाँ का परिवेश, वहाँ का वातावरण कैसा है, उस तरीके से हर जगह पर अलग अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, सेम उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा कंटेंट तैयार किया है आप सभी के लोगों, आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं आवास कितने प्रकार से होते हैं। तो पहला है बांसों पर टिका घर। कहीं कहीं पर देखा होगा आपने कि बांसों पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा बरसता है। तो जहां पर पानी ज्यादा बरसता है वहां पर बांसों से घर बनाया जाता है। ये कहां पर होता है, असम। असम में घर 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों के खंभों पर बने होते हैं। सभी को पता है कि असम में क्या होता है, 10 से 12 फीट के ऊंचे खंभे होते हैं, उसी के ऊपर बांसों का घर टिका होता है। तो ये क्वेश्चन सीटेट में, टेट में देखने को मिला है कि बांसों पर टिका हुआ घर कहां पर पाया जाता है, कहां बनाए जाते हैं। तो असम में, सभी को याद रखना है, असम में बांसों पर टिका हुआ घर पाया जाता है। नेक्स्ट है घुमंतू लोगों के घर। घुमंतू लोगों के मतलब इधर से उधर, इधर से उधर वो अपना प्लेस चेंज किया करते हैं। तो इनके घर क्या होते हैं, टेंट से बने होते हैं, जिन्हें अस्थायी घर कहते हैं। अस्थायी घर जो होते हैं वे घर टेंट से बनाए जाते हैं। जो आज यहाँ पर हैं, यहाँ का वातावरण चेंज हुआ, अपना टेंट वेंट निकाले और चल दिए, तो इन्हें क्या कहते हैं, घुमंतू घर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अपना टेंट वेंट लिए इधर उधर, जहां पर इन्होंने सुटेबल देखा, जहां पर देखा कि हाँ यहाँ पर रहने के लायक है, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपस्थित हैं, वहां पर ये अपना घर बना लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अस्थायी घर कहते हैं। नेक्स्ट है बर्फ के घर। बर्फ के घर क्या होता है, ऐसे घर जहां पर चारों तरफ बर्फ होती है, बर्फ से ढके रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बर्फ के घर कहते हैं। ये घर बर्फ बर्फ के ही बनते हैं, बर्फ से इन घरों को बना लिया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, इग्लू। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्फ से बने हुए घरों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इग्लू। इग्लू कहते हैं जो बर्फ से बने होते हैं। फिर नेक्स्ट है रेंडियर की खाल के घर। तो रेंडियर की खाल के घर कहां पर बने होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुवीय स्थानों, जैसे लैपलैंड,
में कुछ रेंडियर चरवाहे रेंडियर की खाल से बने टेंट में रहते हैं। तो रेंडियर की खाल कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव स्थानों, उत्तरी ध्रुव पर बनाए जाते हैं, लैपलैंड में। किस कौन बनाता है? चरवाहे। जो चरवाहे होते हैं वो रेंडियर की खाल से बने टेंट में रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट मतलब नाव पर, नाव पर बने मकानों को हाउस बोट कहते हैं। जो मकान जो होते हैं वो नाव पर बनाए जाते हैं, उन्हीं पर सब्जियां, उन्हीं पर सारी चीजें उगा ली जाती हैं। ऐसे ऐसी नावें होती हैं, उन पर सारी व्यवस्था हो जाती है। तो नाव पर बने मकानों को हाउस बोट कहते हैं। ये घर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिना दीवार के घर। ऐसा भी घर होता है क्या, बिना दीवार के घर? हाँ होता है। अमेजन के जंगलों में बहुत पानी बरसता है और बहुत ही गर्मी पड़ती है, तो अमेजन के जंगलों में बिना दीवार के घर बना लिया जाता है, इसीलिए वहां पर दीवार नहीं बनाई जाती। नौडम घर अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में। नौडम घर गीली मिट्टी की मोटी दीवार के बनते हैं। नौडम घर को जो होता है वो अफ्रीका, कहाँ पर? अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में बनाया जाता है। गीली मिट्टी करके मोटी दीवार बना देते हैं। और क्या करते हैं? बाहर से लोग दीवारों को सब्जियों के रसों से लेपते हैं। गांव से जो रिलेटेड होगा उसे पता होगा गांव में क्या होता है, मिट्टी से लिपा जाता है। सेम उसी तरीके से ये क्या करते हैं, सब्जियों के रसों से लिपाई कर देते हैं, जो सुंदर भी लगता है और बचत भी इनकी बहुत करता है। दीवारों की बचत के लिए लिपाई की जाती है। ठीक, नौडम घर कहाँ पर? अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में। बिना दीवार के घर अमेजन के जंगलों में बनाए जाते हैं। और हाउस बोट जम्मू कश्मीर में। रेंडियर की खाल के घर लैपलैंड उत्तरी ध्रुव में। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। हवा भरे घर कहाँ बनाए जाते हैं? हवा भरे घर आपको पता है जहाँ बाढ़ तथा भूकंप आता, जहां पर बाढ़ और भूकंप आता है वहां पर हवा भरे घर बनाना ही पड़ता है। बाढ़ भूकंप आया, उड़ गए, फिर उसके बाद दोबारा से बना लिया। तो जापान में, जापान जैसे वहां पर हवा तथा भूकंप, हवा से घर बनाए जाते हैं, हवा भरे घर बनाए जाते हैं कि वो उड़ जाए, फिर उनको फिर से दोबारा बना ली जाए, इतनी ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और ना ही ज्यादा नुकसान सहना पड़े, इसीलिए ऐसे घर बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है तैरते हुए घर। तैरते हुए घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? अभी आपने हाउस बोट सुना था जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर भारत में तैरते हुए घर बनते चीन में। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाव पर बने हुए घरों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? चीन में। अगर भारत में पूछ रहा है हाउस बोट नाव पर बने घर, तो आप जम्मू कश्मीर टिक करेंगे। अगर भारत नहीं पूछ रहा है, विश्व पूछ रहा है, भारत बाहर का पूछ रहा है, तो आप चीन लगाएंगे। यहां पर क्या करते हैं, नाव में मुर्गी पालन, सब्जी, सारा सिस्टम एक बना लेते हैं नाव पर। तो इन घरों को समापान कहते हैं। क्या कहते हैं? समापान। तो चीन में तैरते हुए घर बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कच्चे घर। आप सभी ने देखा होगा कच्चे घर मिट्टी, घास फूस, बांस, लकड़ी से बने होते हैं। ठीक, पक्के घर, यहाँ पर सभी लोग के पास नॉर्मल पक्के घर ही होते हैं। सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी, इन सभी से सरिया, इन सभी से मिलकर पक्के घर बने होते हैं। पत्थर के घर, ऐसे घर जो पत्थर के घर होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में बने होते हैं। इनकी छतें जो होती हैं ढलवा होती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में इन घरों को बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बाहर निकल कर आते हैं। उन इम्पोर्टेंट बिंदु को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं से क्वेश्चन सीटेट और टेट में देखने को मिले हैं। मैंने वहां से इनको उठा करके यहाँ ऐड कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे राजस्थान जो होता है, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं। इनकी दीवारें जो होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं और छत पर कटीली झाड़ियों से बनी होती है। इनकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जैसे आपने एलोवेरा का पौधा देखा होगा, एलोवेरा में क्या होता है, कांटे जो होते हैं, जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। मरुस्थली क्षेत्र के पौधे होते हैं, नागफनी है, कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें पानी की जरूरत नहीं होती। ये सभी मरुस्थली पौधे होते हैं। तो राजस्थान जो होता है वहां पर मिट्टी के घर बने होते हैं और इनकी दीवारें जो मोटी होती हैं और इनके छत पर कटीले पौधे लगा दिए जाते हैं। समझ में आए? वहां पर मरुस्थली स्थानों पर इस तरीके से पौधे आपको मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट क्या पॉइंट है, मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। मनाली जो होता है वहां पर कैसे घर बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी से घर बने होते हैं, याद रखेंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट है फिर लद्दाख। लद्दाख के ऐसे घर होते हैं, लद्दाख में ऐसे घर बनाए जाते हैं कि लोग जो होते हैं निचले स्तर पर, जो नीचे का स्तर होता है, नीचे वाला जो होता है अंडरग्राउंड या नीचे जो बनाया जाता है, उस पर क्या होता है अपना सामान रखते हैं और जानवर बांधते हैं, और ऊपर ऊपर क्या कहते हैं अपना रहते हैं, मतलब ऊपर सारी फैमिली रहती है और नीचे सामान और जानवर ये सब चीजें वहां पर रखते हैं। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लद्दाख के घरों में ऊपर लोग रहते हैं और निचली सतह पर जानवरों के बांधने और सामान रखने के लिए प्रयोग करते हैं। समझ में है? राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं, मनाली में पत्थर और लकड़ी के, लद्दाख में कैसे घर बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था। मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दिया है, जानवरों और सामान रखने के लिए नीचे और लोग ऊपर रहते हैं। समझ में है? फिर आते हैं पश पक्षियों की आवाज। पश पक्षियों की आवाज थोड़ा सा देख लेंगे, फिर उसके बाद एकदम विस्तार से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा देख लेते हैं पश पक्षियों की आवाज, फिर उसके बाद देखेंगे। बंदर क्या होता है सभी को पता है, शाखाओं पर रहते हैं। बंदर का कोई अपना घर नहीं होता, वो क्या कहां रहते हैं, शाखाओं पर रहते हैं, पेड़ की शाखाओं पर, डालियों पर। खरगोश एवं चूहा बिल में रहते हैं, जमीन के अंदर, सभी को पता है। मधुमक्खियां छत्तों में छत्ता बनाती हैं, कॉलोनियां बनाती हैं छत्ते में, उसमें ये निवास करती हैं। सांप जो होता है बिल में रहता है, लेकिन ये बिल खुद नहीं बनाते हैं। सांप जो होते हैं अपना बिल खुद नहीं बना पाते। एक और पॉइंट है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो होता है वो पक्षियों के घोंसलों में रहता है। समझ में है? किंग कोबरा पक्षियों के घोंसलों में रहता है, यही ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, याद रखेंगे। चींटियां बिल में रहती हैं, कोयल कौवे के घोंसले में, कोयल जो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देता है, वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। ठीक। शेर गुफाओं में, सभी को पता है। गौरैया कबूतर, गौरैया कबूतर देखा हो अक्सर घरों में रहते हैं, आईने के पीछे रख दिया अपना घोंसला, अलमारी के पीछे, कहीं भी जहां उनको सुटेबल लगा, जहां भी उचित, जहां पर उचित लगा वहां पर वो अपना घोंसला बना लेती हैं। तो ये शॉर्ट मैटर था पश पक्षियों की आवाज से। अब विस्तार से जानेंगे पक्षियों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। पक्षी, पहले पक्षियों के बारे में जानेंगे कि यहाँ कौन से पक्षी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उन सारी चीजें डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। कई क्वेश्चन इससे देखने को मिले हैं, इसलिए क्लास आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, अच्छी तरीके से आप देखिए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप नोट्स बना लीजिए। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जा करके आप टेलीग्राम से ऐड होकर के वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसके बाद अपने नोट्स खुद बनाइए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा और याद भी रहेगा परमानेंट, नहीं आप भूल जाएंगे। पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाती है, नहीं अगर पीडीएफ मिल पा रहे तो आप मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही उसका सलूशन तुरंत दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पक्षी में, पहली पक्षी है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन इसे कहते हैं, ये भी हिंदी में कलचिड़ी इसे कहते हैं। तो इंडियन रॉबी जो होता है, इंडियन रॉबिन ये पक्षी जो होता है, इंग्लिश में कभी कोई पूछ लिया जाता है इंडियन रॉबिन, पत्थरों के बीच घोंसला बनाते हैं, घासों से ऊपर की टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा होता है, मतलब क्या करते हैं पत्थरों, पत्थर जो होते हैं उनके बीच में अपना घोंसला रखते हैं, घास से बना देते हैं, ऊपर क्या करते हैं घोंसले के ऊपर टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा देते हैं। समझ में आए? तो पत्थरों के बीच कौन घोंसला बनाता है, इंडियन रॉबिन कलचिड़ी नामक पक्षी बनाता है। फिर नेक्स्ट आता है कौवा। कौवा जो होता है घोंसले में क्या क्या यूज करता है, लोहे के तार, लकड़ी की शाखा, कोयल जो होती है वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो घोंसले जो लकड़ी के तार, लोहे के तार किसके घोंसले में पाए जाते हैं, कौवे के घोंसले में, और कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, याद रखेंगे। अभी हमने ऊपर बताया था जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। फिर नेक्स्ट आता है फाख्ता। फाख्ता ऐसा पक्षी होता है जो कैक्टस के कांटों के बीच, या फिर आपने देखा होगा मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। फाख्ता जो पक्षी होता है वो कैक्टस जो होता है पौधा, उसके कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, या फिर मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है, याद रखेंगे। तीन हमने बताए हैं, पत्थरों के बीच घोंसला कलचिड़ी इंडियन रॉबिन,
लोहे के तार किसके घोंसले में मिलते हैं? कौवे के घोंसले में। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, वह अंडे अपने कौवे के घोंसले में देती है। फाख्ता कैक्टस के बीच मेहंदी की मेड़ में, दो चीजों में ये घोंसला बनाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं गौरैया कबूतर। अभी हमने बताया था गौरैया कबूतर ऐसे पक्षी होते हैं जो कहीं भी घोंसला बना लेते हैं जहां उनको उचित लगता है। ज्यादातर ये घरों में पाए जाते हैं, घरों में घोंसला इनके देखने को मिलते हैं। अलमारी है, छत है, आईने के पीछे होल है कोई, वहां पर ये अपना घोंसला बना लेती है। फिर नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी पक्षी जो होता है वो पेड़ के तने में छेद बनाकर, अजीब सी बात है, बसंत गौरी अपनी चोंच से पेड़ के तने में पहले छेद करती, मतलब इतनी, मतलब उसकी मजबूत चोंच होती है कि वो पेड़ के तने को ही काट डालती, उसमें एक छेद बनाती, मतलब अजीब बात है, उसमें छेद बना करके उसमें अपने अंडे रखती और अपना खुद वहीं उसी में बैठती है। बसंत गौरी नामक पक्षी जो होता है वह पेड़ के तने में छेद बना करके उसी में अपने अंडे रखती है, याद रखेंगे, बहुत अजीब सी बात है। दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया जो होती है पत्तों को सीकर, यह भी बहुत आश्चर्य की बात है कि दार्जिन नामक चिड़िया जो होती है वह पत्तों को सीकर, मतलब सिलाई करती पत्तों की, फिर अंडे के लिए एक पात्र तैयार करती, मतलब इतना टैलेंटेड चिड़िया है कि वह पत्तों को पहले उसको सिलाई करती अच्छी तरीके से, फिर उसको अंडे देने के लिए एक पात्र जैसा बना देती है। तो आप याद रखेंगे दार्जिन ऐसी चिड़िया होती है जो पत्तों को सिलाई करके अंडे देने हैं पात्र तैयार करती, वाह। फिर नेक्स्ट आते हैं शक्कर खोरा। सभी ने देखा होगा शक्कर खोरा, पेड़ और झाड़ी पर लटकता घोंसला, कहीं पर आप देखा होगा आपने कि बीन के आकार का झाड़ियों पर घोंसला लटकता रहता है, तो शक्कर खोरा का होता है। बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से ये तैयार करती है, बहुत ही मजबूत घोंसला तैयार करती है, मतलब उसको लटकाती उल्टा बीन के आकार का लटकता रहता है, मतलब उसको इतनी मजबूती के साथ शाखा से बांधती है कि वो गिरता ही नहीं। तो कौन सा पक्षी है? शक्कर खोरा। फिर अगला आता है वीवर पक्षी। वीवर जो होता है पक्षी, नर वीवर क्या करता है? घोंसला बनाता है। सिर्फ नर बीबर क्या करता है? घोंसला बनाता है, और मादा जो नर होती है वह अंडे देने के लिए सही घोंसले का चुनाव करती, मतलब नर बीबर जो होंगे वो सारे घोंसले बनाते हैं, और नर जो मादा होगी वो अंडा देने के लिए पहले चुनेगी कौन सा घोंसला उसके लिए उचित है। समझ में आया? पति पत्नी दोनों का काम बहुत ही अच्छा है। जस्टिन बीबर का नाम सुना होगा आपने, उसी के अकॉर्डिंग जो बीबर पक्षी होता है वह बेचारा नर जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है, और मादा जो होती है वो अपने अंडे देती है, उसमें उसको जो घोंसला पसंद आएगा उसी में वो अंडा देगी, अन्यथा नहीं देगी। फिर नेक्स्ट है कोयल। अभी हमने बताया था कोयल जो होती है घोंसला नहीं बनाने वाला पक्षी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया घोंसला ना बनाने वाला पक्षी, या लगाकर कोयल ही कोयल आना, क्योंकि ये कंफ्यूजन में रहता है कि पक्षी सारे घोंसले बनाते हैं तो कौन सा ऐसा पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता, तो कौन सा है? कोयल। कोयल जो होता है वो घोंसला नहीं बनाता है। फिर नेक्स्ट आता है उल्लू। उल्लू के बारे में आपने सुना होगा, अभी और अच्छे से आप आश्चर्य मतलब हो जाएंगे कि हाँ ऐसा भी क्या होता है। उल्लू जो होता है रात्रिचर प्राणी होता है, ये तो सभी को पता है, जो एकमात्र ऐसी प्रजाति है पक्षियों की जो अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा सकता है। उल्लू एक ऐसा रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री का मतलब पूरा गोल गोल घुमा सकता है, चारों तरफ वो घुमाता रहता है, क्या बात है, घुमा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछने को आया था। तो मैना, नेक्स्ट है मैना। मैना एक ऐसा ही प्रजाति है, ये क्वेश्चन देखने को मिला था, इसको आप ध्यान रखेंगे, मैना एक ऐसी प्रजाति है जो पक्षियों में झटके से गर्दन को मोड़ती। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पक्षियों में अपनी गर्दन जो होती है झटके से मोड़ देती है? तो कौन सी है? मैना। मैना जो होती है झटके से गर्दन को मोड़ देती, याद रखेंगे, उल्लू के बारे में याद रखेंगे, 360 डिग्री तक घुमा सकती पूरी गर्दन गोल गोल चारों तरफ घुमा सकती। तो आप सभी का एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं पक्षियों का। मैना अभी आपने देखा झटके से गर्दन को मोड़ देती है, उल्लू 360 डिग्री तक पूरी गर्दन घुमा सकता है, कोयल जो होती है घोंसला नहीं बनाती है, वीवर पक्षी नर वीवर होता है घोंसला बनाता है, और मादा चुनाव करके तब घोंसले में अंडे देती है, शक्कर खोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता है,
दार्जिन चिड़िया अभी हमने बताया पत्तों की सिलाई करके फिर अंडे देने के लिए पात्र तैयार करती। बसंत गौरी जो होती सबसे हमको सबसे सही अगर लगी चिड़िया तो बसंत गौरी कितनी मेहनत करती तने को छेद कर उसमें अंडे देती। वाह। फिर है गौरैया कबूतर कहीं भी घोंसला बना लेती है। पाख्ता जो फाख्ता होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। कौआ जो होता है उसके घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं। कोयल जो होती है वो कौए के घोंसले में अंडा देती है। कलचिड़ी लगभग इसका इंग्लिश में नाम पूछा गया इंडियन रॉबिन जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है घास से उसे आप इंडियन रॉबिन पक्षी कहेंगे। इंडियन रॉबिन जो होता है पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है। फिर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सांप के बारे में कुछ जान लेते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं सभी को पता है सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु क्या होता है वो चबाता नहीं। नुकीले दांत होते हैं बट वो चबाता नहीं किसी को वो निगलता है डायरेक्ट। किंग कोबरा जो होता है किंग कोबरा भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। अभी हमने बताया था आपको कि किंग कोबरा ऐसा सांप है जो भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाता है और क्या बनाता है घोंसला बनाता है। आश्चर्य की बात है कि जो सांप है वो घोंसला बना रहा और उसमें क्या थी कोयल जो होती है वो घोंसला नहीं बनाती। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कोयला नहीं कोयल ठीक। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है 13 फुट तक। किंग कोबरा की लंबाई 13 फुट तक होती है और सबसे बड़ा किंग कोबरा सांप लगभग 19 फुट तक पाया जाता है। ये आप सभी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन ये कि किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है। दूसरा ये कि जो कोयल पक्षी होता है वो घोंसला नहीं बनाता है। अब ये क्वेश्चन और आया था कि ऐसा सांप बताइए जिसमें जहर ही नहीं होता। भाई ऐसा कौन सा सांप है जिसमें जहर नहीं होता तो है एक सांप है अजगर ऐसा सांप होता है जिसमें जहर बिल्कुल पाया नहीं जाता। वो उसकी बॉडी में इतनी ताकत होती है कि वो लपेट देता है ऐसे ही लपेट देगा और निगल सकता है पूरे आदमी को निगल सकता है इतना बड़ा अजगर सांप होता बट उसमें जहर नहीं पाया जाता। कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उन्हें भी देख लेंगे क्योंकि इन बिंदुओं से यही इम्पोर्टेंट बिंदु से ही क्वेश्चन मिले हैं तभी मैंने इनको ऐड कर दिया है। तो गाय के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। गाय जो होती है उसके आगे के दांत छोटे होते नुकीले होते उन दांतों से वो क्या करती है काटती है काटने के लिए उन दांतों का प्रयोग करती है और जो पीछे के चपटे दांत होते उनको चबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके भी मुंह में चपटे दांत पीछे चपटे दांत होंगे जिन्हें क्या करते हैं आप चबाने के लिए प्रयोग करते हैं। साइड से आप चबाते हैं आगे से आप चीरते और फाड़ते हैं सेम वही प्रोसेस गाय में। गाय आगे के दांत जो नुकीले होते हैं उनसे काटती है और साइड में चबाती है ध्यान है। फिर अगला देखते हैं बिल्ली और कुत्ता क्या होता है आगे के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। सभी को पता है जो नुकीले दांत होते हैं वो चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। बिल्ली और कुत्ता में जो आगे के दांत होते हैं वो चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। गिलहरी क्या होती है इसके दांत जो होते हैं परमानेंट बढ़ते रहते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है गिलहरी और चूहा दो ऐसे जीव हैं जिनके दांत परमानेंट बढ़ते रहते हैं इसीलिए ये देखा होगा आपने गिलहरी को हाथ दोनों हाथों से अपने बार बार कुछ किया करती अवश्य। चूहा उसकी मजबूरी है कि वो चीजों को काटता है कोई अपना उसके वो इफेक्ट नहीं होता उसकी मजबूरी है अभी आपको बताएंगे आगे। ये चीज आप याद रखेंगे गिलहरी और चूहे के दांत हमेशा बढ़ते रहते। फिर एक क्वेश्चन हमें अच्छा लगा थोड़ा सा इसके बारे में पूछा भी गया है तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जो चूहा होता है वो चीजों को क्यों कुतरता है भाई क्यों चूहा जो होता है वो चीजों को कुतरता है क्या होता है। अभी हमने बताया कि गिलहरी और चूहे इन दोनों के दांत बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर चूहा किसी भी चीज को ना कुतरे तो साल भर में चूहे की दांत 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ जाते हैं जो इनके फाड़ देंगे अगर मुंह को अगर ये दांत बहुत बढ़ गए तो इनके मुंह को फाड़ सकते हैं इसीलिए इनकी मजबूरी है कुतरना बेचारे मजबूरी बस कुतरते रहते हैं। तो चूहे के दांत जो होते हैं काफी तेजी के साथ बढ़ते हैं। अगर चूहा किसी भी चीज को ना कुतरे तो साल भर में चूहे के दांत 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ जाते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे साल भर में 1 इंच से 2 इंच तक इनके दांत बढ़ जाते हैं ठीक।
चूहे जो होते हैं इंसानों से 10 गुना ज्यादा हैं, समझ में आए, 10 गुना ज्यादा पाए जाते हैं। 5 चूहे मिलकर एक इंसान का खाना खा सकते हैं, आसानी से एक आदमी का खाना खा सकते हैं 5 चूहे अगर मिल जाए। फिर है चूहे और चूही, पति और पत्नी दोनों जो होते हैं एक जोड़ी एक साल में 1000 बच्चे को जन्म देते हैं। कितने बच्चों को जन्म, 1000 बच्चों को जन्म, चूहा और चूही एक साल में कम से कम 1000 बच्चों को जन्म देती। फिर उसके बाद ये अपना एक ही 2 साल का इनका जीवन काल होता है, 1-2 साल बाद ये अपना निपट जाते हैं और इनकी प्रोसेस 1000 बच्चे जो होते हैं अपना स्टार्ट अपने धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं। तो कितने बच्चे, 1000 बच्चों को जन्म देती। चूहे अपनी मूछों का उपयोग, इनकी जो मूछे होती हैं इधर उधर होती हैं, तो ये मूछों का उपयोग तापमान में बदलाव और उसी सतह को जिस जहां पर चल रहे हैं उस सतह को महसूस करने के लिए किया जाता है, जहां पर वो रेंग रहे हैं चल रहे हैं। लगभग जैसे बिल्ली है चूहा है इन सभी में मूछों का प्रयोग यही होता है। जमीन से सटे हुए रहते हैं तो इनको ये तापमान में बदलाव ये सारी चीजें अपनी मूछों से पता चल जाता है, एंटीना का काम करता समझ लीजिए। फिर आए कुछ सांप से तथ्य हैं, उनको भी देख लेंगे जिनसे भी क्वेश्चन निकल कर बाहर आए हैं, टेट हमने सीटेट में देखा है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या होता है, सांपों का जो शरीर का तापमान है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। उसका ऐसी उसकी बॉडी होती है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सांप जो होता है वो भोजन का चबा कर नहीं खाता, अभी हमने बताया था कि दांत तो उसके होते हैं बट वो भोजन को चबाता नहीं, निगलता है, साबुत निकल जाता है। अधिकांश सांपों के जबड़े इनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए बने होते हैं, मतलब बहुत हमने देखा है कि हिरन को निगल जाता है, डियर को ही निगल जाता है, तो सांपों के जबड़े जो होते हैं इनके सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकने के लिए बने होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो अजगर गौर मतलब है कि सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है, 150 डिग्री तक अजगर जो होता है अपना मुंह कम से कम 150 डिग्री तक खोल सकता है। वाह, दुनिया में सांपों की संख्या 3000 से ज्यादा, मतलब 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, दुनिया में 3000 से ज्यादा प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 20% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते, लगभग 20% सांप ही जहरीले होते हैं, 80% सांप जहरीले नहीं होते, केवल 20% ही सांप जहरीले होते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में देखा, इस चैप्टर से कई क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर अच्छी तरीके से समझाना पड़ा। तो एक बार इस चैप्टर से फिर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आवास में क्वेश्चन पूछा गया था कि बांसों पर टिका घर कहां पर होता, असम में, कहां पर होता, असम में बांसों पर टिका हुआ घर पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेंडियर की खाल के घर का प्रयोग कौन करता है, चरवाहे करते हैं, कौन करता है, चरवाहे करते हैं, और ये उत्तरी ध्रुवीय स्थानों जैसे लैपलैंड वहां पर ये पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउस बोट, हाउस बोट अगर भारत में पूछा जाता है कि कहां पर मकान बनाए जाते हैं हाउस बोट में, तो जम्मू कश्मीर में, अगर बाहर पूछा जाता है तो चाइना में, चाइना में हाउस बोट चाइना में भी यूज किया जाता है, वहां पर भी घर बनाए जाते हैं। और था नौडम घर, नौडम घर अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में नौडम घर बनते हैं। फिर नेक्स्ट था, फिर देखते हैं राजस्थान में मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, राजस्थान में मनाली में पत्थर और लकड़ी के, टिक और लद्दाख में कैसे घर होते हैं जो निचली सतह पर अपना सामान रखते हैं, जानवरों को बांधते हैं और ऊपर वाली सतह पर अपना खुद निवास करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आवास से पूछे गए थे। आवास में पशुपक्षियों के आवास से कई क्वेश्चन आए हैं कि पक्षी जैसे इंडियन रॉबिन इसका घोंसला कहां बनाया जाता है, कहां बनाते हैं, पत्थरों के बीच, लोहे के तार किसके घोंसले में निकलते हैं, कौए के घोंसले में, कैक्टस के कांटों के बीच कौन बनाता है, फाख्ता। और एक था कि कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल, वो अपने अंडे कौए के घोंसले में देता है। और था 360 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकने वाला पक्षी, तो कौन सा था, रात्रिचर पक्षी उल्लू। और था कि जो पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखता है वह पक्षी बसंत गौरी, याद रखेंगे बसंत गौरी
जो पक्षी होता है पेड़ के तने में छेद करके अंडे रखती, और एक था जो सिलाई जो पत्तों को सी करके अपने अंडे देने के लिए एक पात्र तैयार करती, वह कौन सा पक्षी है? दार्जिन चिड़िया। और ऐसा पक्षी बताइए जिसका घोंसला जो उल्टा लटका हुआ बीन के आकार का होता है, शकर खोरा। ये चीजें याद रखेंगे। और मैना जो होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक झटके से अपने गर्दन को मोड़ सकती है, तो मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपने एक झटके से पूरे गर्दन को मोड़ सकती है। फिर सांप से क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता, तो कौन सा है? किंग कोबरा। और एक क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा सांप है जिसमें जहर नहीं होता, तो अजगर। अजगर ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। फिर कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे ऐसा, जैसे एक क्वेश्चन मिला था कि चूहा जो होता है उसके दांत लगभग कितने एक साल में कितना बढ़ जाते हैं, 1 से 2 इंच तक बढ़ जाते हैं, ठीक। इनके ये जो होते हैं 1 साल में 1000 बच्चे को जन्म देते हैं। ये सारी चीजें क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो आप अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखिए, तब जाकर के आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और हो सके तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर सभी के साथ करें। आपको PDF इसकी लिंक दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसको डाउनलोड करके आप चाहे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए या प्रिंट निकलवा लीजिए। हमारे हिसाब से तो आप नोट डाउन कर लेंगे ज्यादा उचित रहेगा, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।